वेलकम बैक टू सैक्रो माफिया चैनल। आज हम लोग आए हैं जेन न्यू। क्या बोला तूने? बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, मगर उससे पहले हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गाड़ी में इंस्टॉल कराई है, नई नई आप लोगों के लिए, नए नए वीडियोस लेकर आए हैं। आज ये दिखाते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा। कस्टम हेडलाइट्स करवाई हैं, पूरी इसके फीचर्स सब चीज़ें आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या हम लोगों ने लगवाया है। पहले तो इसकी सामने से लुक देखो कि ये बंद में लुक इसकी कैसे आ रही है। मैं आपको इसकी हेडलाइट्स ऑन करके दिखाऊंगा। इसमें हम लोगों ने दो तीन चीज़ें अलग अलग इसमें इंस्टॉल करवाई हुई है। आपको भी लगेगा, आपको भी शौकीन लगेगा कि दो क्या ऐसा क्या करवाया है। आइए दिखाते हैं आपको। देखो, ये इसमें सबसे पहले DRL इंस्टॉल करवाए हैं, जो आपके पार्किंग लाइट्स में भी वर्किंग है और जो नॉर्मल अपने DRL काम करते हैं। ये पूरे के पूरे L शेप में बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा कर्व्ड है ये। और इसकी पूरी प्रॉपर पीछे से लुक दिखाते हैं आपको कि ये कैसे दिख रही है। ये इंडिकेटर्स में कैसे वर्क करते हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसमें आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ कि नया इसमें क्या इंस्टॉल करवाया है। ये तो आपने देखे ही होंगे, इसके अलावा एक और चीज़ इसमें इंस्टॉल करवाई है। ये इसका स्विच है, यह अलग से हम लोगों ने स्विच इसमें इंस्टॉल करवाया हुआ है। जो अभी करंट में लाइट इसकी जल रही है वो इसी के थ्रू काम करती है, ये यहाँ से ऑफ हो जाता है। गाइज ये अभी थोड़ा सा आपको क्योंकि हम लोग काफ़ी उजाले में अभी लाइट इसका वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर अभी दिखेगा नहीं। इसका हम लोग नाइट शूट एक बार आपको डाल देंगे, आपको पता चल जाएगा प्रॉपर ये कैसा दिखता है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, कलर भी चेंज होते हैं इसमें एक बार आपको हम कलर भी चेंज करके दिखाएंगे कि कैसा कलर आता है, इसकी लुक कैसे आती है। वो बटन जो मैंने आपको दिखाया था उससे ये DRL प्लस अंदर वाली रिंग वर्क करती है। बाकी जो ये वाली अंदर डेविल आई इसकी आपकी दिख रही होगी, वो पार्किंग लाइट से हम लोगों ने कनेक्शन किए हुए हैं। मतलब दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो जिस टाइम जो भी हमें कंफर्टेबल लगता है या जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है उस टाइम हम लोग यूज़ कर लेते हैं उस हिसाब से। ये देखो, अभी ये आपका DRL और रिंग जल रहा है, ये बटन से ऑन है। इसका पार्किंग लाइट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसके अलग से कनेक्शन कराए हुए हैं। जो स्विच मैंने आपको दिखाया था उससे वर्क करता है ये। तो कुछ इसकी ऐसी लुक आ रही है भाई, देखो क्या लुक है। हमारे कुणाल भाई ने क्या क्या इंस्टॉल इसमें करवाया हुआ है, क्या सोच है रे तेरी, लेके ही आते मानना पड़ेगा। आप लोग भी सोचते होंगे भाई बंदा करता क्या है हमेशा। अब इसमें मैं कुछ और भी नया दिखाने वाला हूँ आपको कि और इसमें क्या नया लेके आए हैं हम लोग। अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। आप बहुत बार इसकी साइड प्रोफाइल देख चुके हो, मगर इस बार साइड प्रोफाइल पे हम लोगों ने बहुत बेहतरीन, मतलब इसके रिएक्शंस हमें इतने अच्छे मिले हैं। अभी हम जेन न्यू गाड़ी भगा रहे थे, सीरियसली हमारी कंप्लेंट हुई है कि यहाँ पे भाई क्या कर रहे हो, क्या दहशत गाड़ी घूम रही है, कोई स्पोर्ट्स बंदा गाड़ी लेके यहाँ पे कहर मचा रहा है। अब दिखाते हैं आपको साइड प्रोफाइल पे, आता है कि साइड प्रोफाइल पे भाई ने क्या करवाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा रैप कराया है भाई ने। आप देख रहे हो इसको पूरा ग्लोसी में है रैप, ये आपका मैट में है। आप इसकी फिनिशिंग देखो कि कैसी लग रही है गाड़ी भाई, पूरी गाड़ी का ना लुक चेंज हो गया है इससे। भाई आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये रैप के साथ थोड़े से व्हील्स में चेंजेस आ गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये व्हील्स एक्चुअली हमारी दूसरी वाली गाड़ी के हैं, उसके व्हील्स हम लोगों ने इसमें चेंज करके इसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें कैसे लगेंगे। तो आपने पहले वाली देखे हैं व्हील्स, वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, उस गाड़ी के व्हील्स हैं ये। तो आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि भाई ये वाले व्हील इस गाड़ी में कैसे लग रहे हैं, और मतलब शूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा बेस्ट कौन से लग रहे थे दोनों व्हील्स में से।
तो हम उस हिसाब से फिर वापस से इसमें चेंज करेंगे। ये देख रहे हो, ये पहले वाले व्हील्स हैं जो गाड़ी में पहले से इंस्टॉल्ड थे, ये आपने देखे ही होंगे ऑलरेडी। अब वो नए व्हील्स इसमें लगाए हुए, तो आपको क्या इसमें चेंजेस लग रहा है या मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? साइड से पीछे से हम इसकी प्रोफाइल दिखाते हैं कि इसमें पीछे से कैसी लग रही है गाड़ी। थोड़ा सा और पीछे से दिखाओ, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। भाइयों एक चीज़ और मैं दिखाना आपको भूल गया, एक्चुअली ये बहुत बेस मॉडल हम लोगों ने गाड़ी ली थी, मगर बेस मॉडल से आप बना दिया है इसको टॉप मॉडल। मतलब भाई ने कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें कुछ भी, कि हाँ भाई मैं एक चीज़ तो छोड़ दूँ एटलीस्ट कि कंपनी ने ऐसी गाड़ी दी थी। नहीं भाई को कराना ही कराना है, भाई ने अब इसमें साइड मिरर फोल्डिंग, ऑटो फोल्डिंग साइड मिरर करवाए हुए हैं जो रिमोट से वर्क करते हैं, और प्लस यहाँ से मैनुअल भी वर्क करते हैं। आपको इसका बटन्स दिखाते हैं एक बार यहाँ पर बटन दिखा दो इसके, ये इसके बटन लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बटन लगे हुए हैं, ये देखो ये वर्क करते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो उसको लेफ्ट राइट। देखो भाई देखो क्या लुक आ रही है, मतलब कहाँ से आप बोल सकते हो कि यार ये सब काम भी बाहर से हो सकता है। भाई ने ऐसा काम करवाया है कि लग ही नहीं रहा है कि बाहर से काम कराया हुआ है, ऐसा लग रहा है कंपनी से आया हुआ है। कंपनी वैसे तो क्या ही बोलूँ, कंपनी कुछ देती ही नहीं है, सारा खर्चा हमें खुद करना पड़ रहा है अपनी जेब से। ये भी इसमें भी लाइट जलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी थोड़ा सा उजाला हो रहा है इसलिए शायद आपको ना दिखे, मगर आपको थोड़ा बहुत इसमें दिख ही रहा होगा, पर रात में गजब लुक आती है इसकी। क्योंकि ये इसका कॉम्बिनेशन, जब ये पार्किंग लाइट इससे जलती है ना तो बेस्ट लगता है, मतलब थोड़ी सा लुक में और मज़ा आ जाता है। प्लस हमारे इतने प्यारे DRL जो लगे हुए हैं, इससे भी और लुक इंक्रीज़ हो जाती है गाड़ी की। इसके मैं रात के शॉट्स आपको डाल दूंगा, वीडियोस कैसे दिख रहे हैं, कैसा व्यू आ रहा है गाड़ी का, कैसी लाइट्स दिख रही है, और आप मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि इसमें यार मतलब और कुछ भी कराना चाहिए या ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोग चेंजेस कराते रहते हैं गाड़ी के, तो आपको बताना है कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो मैं और एक चीज़ और मैं दिखाऊँगा, ये प्लस रिमोट से भी वर्क करते हैं इसके साइड मिरर, ये रिमोट है इसका नॉर्मल जो पहले था, इससे भी ये वर्क करते हैं। आप देखना साइड मिरर इसके, यहाँ से क्लोज़ कर दोगे वो क्लोज़ हो रहा है ऑटोमेटिकली, गाड़ी लॉक करिए तो लॉक हो जाएंगे, गाड़ी अनलॉक करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये मिरर खुल जाते हैं इसके। तो ये भी एक बेस्ट फीचर है जो भाई ने बाहर से करवाया हुआ है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि भाई बाहर से भी इतनी चीज़ें हो सकती हैं। भाई सारा पता नहीं कहाँ कहाँ से तिकड़मबाजी करके आए, मंगाते हैं इन चीज़ें और पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट करवाते हैं, ये तो यही जाने इनसे करवाना पड़ेगा। बाकी किसी को अगर अपनी एक्सेंट या किसी और गाड़ी में भी ये चीज़ें इंस्टॉल करानी है तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भाई का दिख रहा होगा, आप उसमें भी भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो कि कैसे क्या करना है, क्या कितना क्या प्राइसिंग थी या क्या थी। प्राइसिंग के वीडियोज़ भी हम लोग एक बार दोबारा इसका बनाएंगे और आपको सारा प्राइसिंग बताएंगे कि किसमें कितना खर्चा आया है, इस कार में कितना खर्चा आया है, बाकी साइड मिरर्स में लाइट्स में कितना खर्चा आया है, वो सारे वीडियोज़ उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे। अगर प्राइसिंग के लिए आपको चाहिए तो कमेंट्स करके बताना, अगर प्राइसिंग के वीडियो बनाना है तो हम लोग ज़रूर प्राइसिंग का वीडियो बनाएंगे। साउंड में भी कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाई है, उसका भी हम लोग वीडियो बना के डालेंगे। नए वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करते रहें, फॉलोवर्स बढ़ाएँ भाई हमारे, हम आगे बढ़ेंगे तभी बहुत चीज़ें करेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ें करने का, इतना खर्चा किया है चीज़ें। टाइप करो चैनल्स को, आगे बढ़ाओ हम लोगों को, नहीं तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का, क्या मज़ा आएगा यार कुछ, बस थोड़े बहुत आप लोग ही देखते हो यार, और भी फॉरवर्ड करो और भी जगह हमें गाड़ियाँ दिखाओ। और देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पे मतलब खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, कुछ फैंस यहाँ पे खड़े हुए हैं जो बहुत देर से गाड़ी देख रहे हैं हमारी, उनसे भी एक बार पूछते हैं कि गाड़ी कैसी लगती है। भाई आपका क्या नाम है? प्रिया। कहाँ से हो आप? अच्छा जैन से ही हो आप भी? हाँ जी हाँ जी जैन। तो आप बहुत देर से मैं देख रहा था कि हम लोग जब वीडियो बना रहे थे आप गाड़ी देख रहे थे, तो कैसी लगी मतलब आप लोगों को गाड़ी? भैया बहुत सुंदर है, अलॉयज तो नेक्स्ट लेवल है इसके। okay. ये इंपोर्टेड है या मतलब प्रॉपर कहाँ से मंगवाए हैं? ये बाहर से इंपोर्ट किए हैं, इसको आने में 4-5 months लगे हैं गाड़ी को, व्हील्स को। बहुत नेक्स्ट लेवल है। अभी इसमें और भी कुछ चेंजेस कराने वाले हैं व्हील से ही रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो कुणाल भाई है ना वो मतलब उसको सेटिस्फिकेशन मिलती ही नहीं है। क्या बोला तूने? सेटिस्फाई नहीं है। अब वो कह रहा है कि भाई इसमें भी कुछ और भी चेंजेस करने हैं, तो शायद व्हील्स में आपको और मज़ा है,
उसमें भी हम लोग चेंजेस करेंगे। बाकी रैप अभी रिसेंटली हम लोगों ने कराया हुआ है गाड़ी पे, तो वो कैसा लगा आपको? अल्टीमेट डर लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, और एग्जॉस्ट भी अच्छा लग रहा है इसका। दूर से आवाज़ आ गई थी कि हाँ कुछ आ रहा है, कुछ पता लग रहा है। ओके अभी पता नहीं, हम लोग पीछे खड़े हुए थे तो कोई कंप्लेंट्स भी कर रहा था हमारी कि भाई कोई गाड़ी घूम रही है यहाँ पे येलो कलर की, वो बहुत ज़्यादा लाउड है। तो हम इसी चक्कर में अभी एग्जॉस्ट बंद करके हमने कहा चलो फाइनली वीडियो बनाते हैं और फिर जाना भी है। तो अब पता नहीं था कि भाई इतनी दूर दूर आवाज़ जा रही है कि लोग सुन रहे हैं सब लोग।